So we would start with world's most beautiful law, that is company law. So हम लोग company law शुरू करेंगे और last lecture में मैंने आपके साथ company law का constitutional background, historical background, then definition of company, JJ Irani committee की report. इन सब पहलुओं के ऊपर मैंने आप सबके साथ एक चर्चा की थी. फिर रिमेंबर, आज मैं अपना डिस्कशन जो है आगे लेके जाऊंगा. आज का मेरा जो डिस्कशन प्राइमरी रूप से केंद्रित होगा वो होगा सेक्शन 9. सेक्शन 9 डील करता है, सेक्शन 9 डील करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से. हालांकि सेक्शन 9 को ऐसा टाइटल उन्होंने नहीं दिया है कि वो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट यस सेक्शन 9 में क्लियरली लिखा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि जैसे ही कंपनी को क्या मिल जाता है, द मोमेंट कंपनी रिसीव्स अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इसका नतीजा क्या है? परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, सेपरेट मैनेजमेंट हो जाएगा, कोर्ट में खुद के नाम से स्यू हो सकती है और खुद के नाम से स्यू कर भी सकती है. तो ये सारी चीजों के बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा. सबसे पहला जो मेरा डिस्कशन है, सबसे पहला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा, दैट वुड बी ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी. किसके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों? मैं सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कानून के द्वारा. किसके द्वारा? अच्छा, टॉम एंड जेरी, ये दो कार्टून कैरेक्टर है, वी ऑल नो, हमको पता है ना. बाहुबली, किसी को भी बाहुबली बोला तो वो समझ जाता है किसकी बात कर रहे हैं अपन. मूवी वाले बाहुबली की बात कर रहे हैं. सुपरमैन, स्पाइडरमैन, किसी को भी बोला. बच्चों क्या आपको नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चों से पूछा है तो वो तो ये भी बोल देते हैं कि भाई सुपरमैन आएगा मेरे को बचाने के लिए अगर मैं फंस गया तो. आप समझ रहे हो? मैं एक मिनट, सुपरमैन बनता कोई और आदमी है, सुपरमैन इंसान ही है, लेकिन उसके पास सुपर पावर आ गई इसलिए वो क्या बन जाता है? सुपरमैन बन जाता है. स्पाइडरमैन भी सेम. सो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, टॉम एंड जेरी, क्या आपको नहीं लगता ये सारे लोगों ने अपनी एक अलग शख्सियत बना ली है, अपनी एक अलग पहचान बना ली है? डोंट यू थिंक सो कि दीज पीपल हैव मेड व्हाट देयर सेपरेट आइडेंटिटी. इन लोगों ने अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी स्थापित कर लिया है. किन लोगों ने? किन लोगों ने? अरे किन लोगों ने? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इन सारे लोगों ने. तुम्हारे मन में शक तो नहीं आ रहा कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं बच्चों? और मैं बराबर कनेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी, आई एम एक्सपर्ट इन कनेक्टिंग द डॉट्स. तो बच्चों ध्यान से देखिए ना. सो स्पाइडरमैन एक स्पेशल एंटिटी बन गया है, एक अलग एंटिटी बन गया हम लोगों के लिए. स्पाइडरमैन इज सम डिफरेंट पर्सन, है ना बच्चों? मैं वही बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्पाइडरमैन एक स्पेशल, अच्छा स्पाइडरमैन को अलग स्टेटस किसने दिया है? पब्लिक ने, हमने दिया है ना. ए मैं स्पाइडरमैन की मूवी देख के आया, ए मैं वो स्पाइडरमैन बचाएगा मेरे को, तो पब्लिक ने उसको एक अलग स्टेटस मान लिया है. इन द सेम मैनर स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल है कंपनी. कंपनी को भी एक अलग स्टेटस मिला है, कंपनी को भी स्पाइडरमैन जैसा एक अलग व्यक्तिगत स्वरूप दिया गया है. और ये व्यक्तिगत स्वरूप स्पाइडरमैन को तो पब्लिक ने दिया है, कंपनी को किसने दिया है? कंपनीज एक्ट ने दिया है कि भाई तुम एक बार किसके अंदर रजिस्टर हो गए? तुम एक बार कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गए. किसके अंदर रजिस्टर हो गए? वंस यू गेट रजिस्टर्ड, वंस यू गेट रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? अंडर कंपनीज एक्ट यू गेट अ स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. आपके पीछे कौन है? आपको क्रिएट किसने किया? स्पाइडरमैन को क्रिएट किसने किया? पब्लिक ने. पब्लिक मर गई तो स्पाइडरमैन भी मर जाता है क्या? नहीं, स्पाइडरमैन को चाहने वाले मर सकते हैं, और जो लोग स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हैं आपको पता है वो मरते जाते हैं. अभी रिसेंटली जेम्स बॉन्ड का जो रोल प्ले करता है वो, उसकी डेथ हुई. यस नो? तो क्या जेम्स बॉन्ड भी मर गया? पब्लिक की नजर में जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर जिंदा है. क्या जिंदा है?
कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को प्ले कौन कर रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम मैनर बच्चों कंपनी भी सेम है, कंपनी भी सुपरमैन है, कंपनी भी जेम्स बॉन्ड है, लेकिन ये स्टेटस जेम्स बॉन्ड से ज्यादा तगड़ा स्टेटस किसने किसका है, कंपनी का है, क्योंकि कंपनी का जो सेपरेट स्टेटस है, कंपनी को जिसने क्रिएट किया उससे कंपनी अलग है। और ये स्टेटस किसने दिया है कंपनी को, हु हैज ग्रांटेड दिस स्टेटस, कंपनी लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने ये स्टेटस दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कंपनी के आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, किसने क्रिएट किया है, कौन जिंदा है, कौन मर गया, क्या इससे कंपनी को कोई फर्क पड़ता है? सो कंपनी का स्टेटस इज सेपरेट। अच्छा काम करे तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा, बुरा काम करे तो नुकसान किसको होगा, लोग लगाएंगे किसकी, कंपनी की। यस और नो? कंपनी को, कंपनी को, उसके आने पीछे कौन है, कंपनी के मेंबर्स कौन है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? सालमन वर्सेस सालमन, मैंने इस केस को बहुत लंबा चौड़ा अपने नोट्स में लिखा है, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना पढ़ें, सिर्फ देख लें, बाकी उस केस को समझने में मजा है। ठीक है, हाँ, बस जिसको डिटेल में चाहिए, नहीं सर मेरे को डिटेल में समझना है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिटेल में केस लॉ है, बट जिसको समझना है कौन सा केस, सालमन वर्सेस सालमन, वो यहां पे देख सकता है। सो व्हाट दिस सालमन वर्सेस सालमन केस इज, सालमन वर्सेस सालमन केस क्या है? सबसे पहला केस है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस केस को हम पूरे विश्व में यूज करते हैं। कौन सा केस बच्चों? सालमन वर्सेस सालमन कंपनी। नाउ क्या हुआ था इस केस में, एक इंसान ने जूते और चप्पल की दुकान शुरू की, ठीक है, दुकान थी छोटी सी, ईमानदार था इंसान, अच्छा था इंसान, बिजनेस आगे बढ़ गया और जूते चप्पल की दुकान से क्या बन गई, जूते चप्पल की फैक्ट्री बन गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री, यूएस आई बिलीव यूके बेस्ड कंपनी थी। आज भी शूज आते हैं, जो बड़ी बड़ी जूतों की दुकान होती है वहां पे सालमन के शूज मिलते हैं, आप देख सकते हैं अमेज़न पे भी मिलता है। सो अब क्या हुआ, तो सालमन ने क्या कर लिया, अपना एक कंपनी बना लिया, क्या कर लिया सालमन ने, अपना एक कंपनी बना लिया। और कंपनी के, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 7 मेंबर चाहिए होते हैं, तो कंपनी के इसने सारे शेयर अपने पास रखे, सालमन ने सारे शेयर कितने रखे, किसके पास रखे, खुद के पास रखे। अगर मान लो 10 लाख शेयर होंगे कंपनी में, तो 999,994 शेयर्स अपने पास रखे, कितने शेयर बच गए, 6 शेयर बच गए, वो 6 शेयर इसने अपनी फैमिली मेंबर को दे दिए। क्यों, आप 6 मेंबर हो जाओगे, मैं 1 मेंबर हो जाऊंगा, तो हम मिला के कितने मेंबर हो गए, हम मिला के हो गए 7 मेंबर्स, हम मिला के कितने मेंबर्स हो गए, 7 मेंबर्स, ठीक है। So now we are 7 members in the company. In which company? Salmon versus Salmon में we are 7 members. ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब कंपनी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही थी, सब कुछ मस्त चल रहा था कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपनी का क्या आ गया, डाउनफॉल आ गया, कंपनी का क्या आ गया, कंपनी डाउनफॉल, कंपनी का डाउनफॉल आ गया, कंपनी की बर्बादी शुरू हो गई, और कंपनी को जरूरत जबरदस्त सैलरी देने के लिए क्या जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी। जब कंपनी को सैलरी देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी को सैलरी देने के लिए क्या करी, पैसों की जब जरूरत पड़ी, तो बैंक ने भी लोन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, हालत खराब हो गई। किसकी हालत खराब हो गई, सालमन कंपनी की हालत खराब हो गई। तो सालमन कंपनी, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता तो गो बैक टू योर बेसिक्स, तो सालमन कंपनी किसके पास गई, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे सालमन क्या था उस कंपनी का, सीईओ बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब कुछ सालमन ही था। तो सालमन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, बैंक ने लोन देने से मना किया, मैं कंपनी को लोन दूंगा। तो सालमन ने कंपनी को सिक्योर्ड, या कंपनी ने, सालमन कंपनी ने सालमन को क्या इश्यू किए, सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू किए। किसने, कंपनी ने अपने फाउंडर को, अपने चेयरमैन को, अपने सीईओ को क्या दिए, कौन से डिबेंचर इश्यू किए, सिक्योर्ड डिबेंचर। जो बंदा डिबेंचर, और वो खरीदे किसने, वो डिबेंचर खरीदे किसने, दोज डिबेंचर्स वर परचेस्ड बाय सालमन। तो अब क्या हो गया, सालमन क्या बन गया,
सालमन डायरेक्टर तो था ही कंपनी का, डायरेक्टर तो था ही कंपनी का, बहुत लगभग सारे शेयर्स भी किसके पास थे, सालमन के पास थे, शेयर्स भी सालमन के पास, डायरेक्टर भी सालमन। और अब कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बन गया, कौन बन गया, सालमन जो है वो कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बन गया। तो ओवरऑल सब कुछ सालमन बन गया अभी। लेकिन सालमन ने जो कंपनी को पैसे दिए थे डिबेंचर के जरिए, वो कंपनी को थोड़े टाइम तक ही काम आया, और कंपनी इमीडिएटली वेंट इनटू, कंपनी थोड़े टाइम के बाद चली गई किस में, वाइंडिंग अप में। अब आपको पता है वाइंडिंग अप में कंपनी जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो एसेट्स बेचता है और लाइबिलिटीज को क्या करता है, पे करता है। कंपनी के एसेट्स को बेचता है और कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करता है, कौन करता है ऐसा, लिक्विडेटर ऐसा करता है। अच्छी बात है। नाउ अब एसेट्स बिक गए, सालमन सिक्योर्ड क्रेडिटर था, सालमन कौन सा क्रेडिटर था, सिक्योर्ड क्रेडिटर था। सालमन ने क्या डिमांड किया, सालमन ने क्या डिमांड किया, सालमन भी सिक्योर्ड क्रेडिटर था ना, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही थी। सालमन ने क्या डिमांड किया, सालमन ने पैसे डिमांड किए, किसे डिमांड किए, लिक्विडेटर से डिमांड किए कि भाई मैंने क्या, मैंने कंपनी के क्या खरीदे थे, डिबेंचर खरीदे थे, मेरा शेयर कैपिटल तो डूब गया, क्या डूब गया, लेकिन चूंकि मैंने डिबेंचर खरीदे थे तो इन द कैपेसिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर मुझे क्या मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। ऐसा किसने कहा, ऐसे सालमन ने कहा। लिक्विडेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, लिक्विडेटर ने कहा कि देख भाई कंपनी की आज जो भी हश्र हुआ है, कंपनी जो भी बर्बाद हुई है, उसमें सिर्फ एक रोल तेरा ही है और किसी का कोई रोल नहीं है, तेरे चक्कर में ही कंपनी बर्बाद हुई है, तू ही बर्बादी का जिम्मेदार है और तेरे को पैसे मिलने वाले नहीं है। ऐसा किसने कहा, ऐसा लिक्विडेटर ने कहा। दुखी हो गया, निराश हो गया कौन, सालमन। सालमन ने कंपनी के खिलाफ क्या किया, लिक्विडेटर के खिलाफ, क्योंकि वाइंडिंग अप में पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है, लिक्विडेटर। तो सालमन ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया, लिक्विडेटर ने कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को क्या किया, कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। सालमन ने क्या बोला, सालमन ने क्या बोला कोर्ट में, सालमन ने कहा कि मुझे पैसे मिलने चाहिए। लिक्विडेटर ने कहा, क्या कहा, इसको पैसे, सालमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो भी दुर्गति हुई है, कंपनी की जो भी स्थिति खराब हुई है, उसमें एक ही आदमी का कंट्रीब्यूशन है, किसका, सालमन का। तो सालमन के पैसे कर जरा भी वापस मिलने नहीं चाहिए। ऐसा किसने कहा, ऐसा लिक्विडेटर ने कहा। सालमन ने कहा कि सर देखिए कंपनी है, मतलब मैं किसका डायरेक्टर था, एक कंपनी का, कंपनी क्रिएट हुई थी। अब कंपनी क्रिएट हुई थी सर, जब एक कंपनी क्रिएट हुई है तो सर कंपनी अगर बर्बाद होती है, अगर कंपनी क्या होती है, बर्बाद होती है, तो इसमें किसी और का हाथ नहीं होता। कंपनी बर्बाद खुद की हरकतों से होती है, कंपनी जो बर्बाद हो रही है वो किसी और का उसमें हाथ नहीं है, कंपनी खुद की हरकतों से बर्बाद हो रही है। और इसलिए चूंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैंने अच्छी नियत के साथ काम किया था, मैंने जो भी डिसीजन लिए थे मेरी नियत खराब नहीं थी कि मैं कंपनी को बर्बाद कर दूं, मैंने डिसीजन अच्छे लिए थे, मैंने अपने डायरेक्टर का रोल बखूबी निभाया। लेकिन मेरे गलत डिसीजन के चक्कर में अगर कंपनी बर्बाद हो रही है तो इसमें मेरा रोल नहीं है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कोई ये नहीं बोलता था कि सालमन ने प्रॉफिट बढ़ाया है, लोग क्या बोलते थे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया है, कंपनी अच्छी है। और जब कंपनी बर्बाद हो रही है तो लिक्विडेटर को लगता है कि सालमन के कारण बर्बाद हुई है। सर ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं,
कोर्ट को किसकी बात ज्यादा अच्छी लगी, किसकी बात ज्यादा अच्छी लगी? और कोर्ट ने यह कहा, क्या कहा, कि अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार कंपनी खुद ही है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सलमान कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सलमान कैन बी सिंगल लार्जेस्ट या लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सलमान कैन बी एवरीथिंग ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग क्रेडिटर, बट कंपनी की बर्बादी का दोष सलमान पे मड़ा नहीं जा सकता. सलमान इज हिमसेल्फ, सॉरी कंपनी इज इटसेल्फ लायबल फॉर इट्स बर्बादी जो भी हुई है. तो क्या, तो सलमान को पैसे वापस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए इन द कैपेसिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर? एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या सलमान को उसके पैसे वापस मिलने चाहिए? ओया, कोर्ट ने कहा कि यस, सलमान को उसके पैसे वापस मिलने चाहिए. इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सबको क्लियर है? और वहां से बच्चों, और सलमान के केस में जो डिसीजन आया उसके उसको कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, सलमान के केस में जो कोर्ट का डिसीजन आया उस डिसीजन को रेफर किया जाने लगा, क्या उस डिसीजन को कहा जाने लगा कॉर्पोरेट विल. कॉर्पोरेट का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी और विल का मतलब होता है पर्दा. तो मतलब जब भी आप क्या बनाओ, जब भी आपने सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट की है तो वो क्या क्रिएट करती है? विल का मतलब क्या होता है? पर्दा. सेपरेट लीगल एंटिटी इज व्हाट? इट्स अ पर्दा. इट्स अ पर्दा मतलब प्रोटेक्शन. पर्दा का मतलब क्या हो गया? जब भी आप कंपनी बनाते हो तो वो कंपनी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. किन लोगों को? किन लोगों को? उन लोगों को जो उस पर्दे के पीछे है. तो सलमान पर्दे के पीछे था ना, सलमान कहां पे था? पर्दे के पीछे था. तो अगर कंपनी कुछ भी गड़बड़ करे, कंपनी में कुछ भी गलत हो, कंपनी में कुछ भी क्या हो, गलत हो, तो पर्दा, ये पर्दा कौन है? ये जो पर्दा है ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी है. पर्दा क्या है? कंपनी है, मतलब कंपनी प्रोटेक्ट करती है. सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है? कंपनी के पीछे के लोगों को. अगर कंपनी में कुछ गलत काम हो जाए, कंपनी ने कोई वायलेशन कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी या कंपनी के पीछे के लोग? सो कैन आई से ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, ये पर्दे का काम कर रही है. कोई भी कानूनी केस हो, कोई भी क्रिमिनल केस हो, उस केस को पहले कौन झेलेगा? कवच है ये कंपनी. इसको पहले कौन झेलेगा? इसको पहले कंपनी झेलेगी. कंपनी के पीछे के लोग क्या हैं? सुरक्षित हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो सलमान वर्सेस सलमान के केस ने एक कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया, कौन सा? सलमान वर्सेस सलमान के केस ने क्या किया? एक कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया. कौन सा कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया? कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सबको ये समझ में आ रहा है? कौन सा कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया? कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया. इज दैट क्लियर? तो लेकिन अब बच्चों आपको पता है, जब ये कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो गया तो लोगों ने बहुत बजाई भी होगी, कंपनी के नाम पे कुछ भी गलत काम किया होगा और फंसे होंगे तो क्या बोला होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या बोला होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी. वी आर नॉट लायबल. हु इज लायबल? कंपनी इज लायबल. तो हम आगे पढ़ेंगे, शायद सुना भी हो आप लोगों ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट बी वरीड. चलिए, सो इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? उसके बाद ही एक और केस हुआ, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग. ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ठीक है, प्लीज हियर. ये केस भी वैसे ही था, यहां पे भी कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आया. कौन सा केस आया? सेपरेट लीगल एंटिटी का केस यहां पे भी आ गया. सब कैसे आया? एक पायलट था और उसकी पत्नी थी, दो लोगों ने मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ठीक है.
ये पायलट उस कंपनी का क्या था? अच्छा, ये पायलट था, और ये कौन सी कंपनी इन लोगों ने स्टार्ट की? एयर ट्रेनिंग, एयर फार्मिंग नाम था, बट इनका मेन काम क्या था? लोगों को ट्रेन करना, प्लेन चलाना सिखाना लोगों को। और इस कंपनी का एक ही एम्प्लॉय था, कौन? या एक ही चीफ एम्प्लॉय था, कौन? ली, जो क्या था? लोगों को ट्रेन करता था। एक प्लेन क्रैश में, कहां पे? एक प्लेन क्रैश में ली की मौत हो गई। एक प्लेन क्रैश में ली की डेथ हो गई। अब जब ली की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई? ली की डेथ हुई, तो ली की वाइफ ने कंपनी से क्या मांगा? क्लेम मांगा, कॉम्पनसेशन मांगा। कंपनी ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया कंपनी ने पैसे देने से? जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कौन थे कंपनी के? उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने कहा, रुतुजा, क्यों मना किया? इसीलिए मना किया, उन्होंने कहा कि सब कुछ कंपनी का कौन था? ली था। जब ली ही मर गया तो कंपनी थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है। ऑन द डेथ ऑफ ली, ऑन द डेथ ऑफ ली, द कंपनी ऑल्सो कम्स टू एन एंड। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि किसी इंसान की डेथ से कंपनी की डेथ नहीं होती। ली की वाइफ को, ली की लुगाई को क्या मिलना चाहिए? ली की महरिया को क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। महरिया इज वाइफ, पता है क्या तुम लोगों को? कौन से कास्ट में बोलते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में बोलते हैं महुरिया बोलते हैं, कई लोग महरिया बोलते हैं। यस, तेरे कैसे पता? हाँ, ये वही का बहुरिया नहीं, महरिया बोलते, महरिया। चलिए, एनीवे छोड़ दीजिए, मैं तुम लोग को बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान देता रहूंगा, स्पेशली हिंदी की सारी एसोसिएटेड लैंग्वेजेस। इधर हिंदी की सब्सिडरीज ना, इधर देखिए एक मिनट। सो सबसे पहला जो डांस देखेंगे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सबसे पहला जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? What is the first characteristics of the company? Company is a separate legal entity. ठीक है? दूसरा, perpetual succession. दूसरा क्या है? Perpetual succession. What is perpetual succession? क्या होता है? Perpetual का मतलब होता है continuing, never ending. और succession का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक जाएगा दूसरा तुरंत आ जाएगा, खत्म कभी भी होने वाला नहीं है। तो गोइंग कंसर्न लीगल लैंग्वेज में इसको आप बोलते हो परपीचुअल सक्सेशन। सो कंपनी भी सेम है, कंपनी भी कभी खत्म नहीं होती। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, इतना पपलू सा क्वेश्चन था कि एक रूम में कंपनी की एजीएम चल रही थी, सारे शेयर होल्डर बैठे हुए थे, और उस रूम में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सारे शेयर होल्डर्स की मौत हो गई, कंपनी भी कम खत्म हो गई। इसके बारे में कमेंट कीजिए सेक्शन, अरे सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि कंपनी को क्या है, एक बार कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई तो उसको क्या मिलेगा? परपेचुअल सक्सेशन। So once a company is registered, once a company is registered under what? Under Companies Act, company gets what? Company gets a perpetual succession. कभी खत्म नहीं होती उसकी एंटिटी। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लो, धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, क्या रिलायंस खत्म हुआ? कभी खत्म नहीं होता बच्चों। और सीधे सीधा बात है, यहां पर ज्यादा केस लॉस की भी जरूरत नहीं है, यहां पे ज्यादा केस लॉस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 9 में डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग ऑल्सो स्टेट्स कि कंपनी का क्या है, ली मर गया तो कंपनी खत्म होती नहीं है। इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनी, नोट्स में ये लाइन लिखी है। पहले के जमाने में बोलते थे किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। पहले के जमाने में क्या बोलते थे? किंग इज डेड लॉन्ग, जब राजा की मौत होती थी तो ऐसे, जैसे अपन बोलते हैं राम नाम सत्य, वैसे ही वो
उसकी उसके जब शव यात्रा लेके जाते थे तो बोलते थे किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, मतलब राजा भले ही मर गया बट राजा की सल्तनत हमेशा चलती रहेगी। सो कंपनी के शेयर होल्डर भले ही मर जाएं बट कंपनी कभी खत्म होती। कंपनी को क्रिएट किसने किया है? लॉ ने क्रिएट किया, राइट? कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ। सो जब मैं ये कहूं कि भाई कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, तो कंपनी को खत्म भी कौन कर सकता है? एवेंजर एंड गेम मूवी था, उसमें सुपरमैन है, सॉरी आयरन मैन है, कौन कौन है, एक्वामैन है, थॉर है, ये सब लोग हैं। अच्छा, इसको क्रिएट किसने किया? जिसने क्रिएट किया वो पहले मर गया। क्या नाम था? स्टैनली। वो पहले मर गया। अब बच्चों वो मर गया बट उसके द्वारा क्रिएटेड जो क्रीचर्स हैं क्या ये मरेंगे? ये चलते रहेंगे बच्चों। वार्नर ब्रदर्स ना? नहीं, सॉरी सॉरी, वो अलग है। ओके, मार्वल, मार्वल पिक्चर ना। सो मार्वल पिक्चर, तो उसने कंपनी, मार्वल पिक्चर इज अ कंपनी नाउ। मार्वल पिक्चर कॉर्पोरेशन इज अ यूएस का बहुत बड़ा कंपनी। तो उसके मरने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये सारे स्टार्स चलते रहेंगे क्या? क्योंकि ये सारे स्टार्स जो है, ट्रेडमार्क किसका है, कॉपीराइट किसका है? मार्वल का है। सो कंपनी के पीछे के लोगों के मरने से कंपनी की एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया तो कंपनी को मार भी कौन कर सकता है? कंपनी को मारने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लॉ के पास है। सो कंपनी लॉ के अंदर क्या हो सकती है? वाइंड अप हो सकती है। क्या हो सकती है? वाइंड अप हो सकती है। कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप के प्रोविजन है, 271 से आगे के सेक्शन जो है वो किसके हैं? वाइंडिंग अप के सेक्शन है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कोड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में भी वाइंडिंग अप के प्रोविजन है। सो यहां तक क्लियर है? कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती। सेक्शन 9 में एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कंपनी की, सेपरेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है? सेपरेट प्रॉपर्टी। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, व्हाट इज सेपरेट प्रॉपर्टी? सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, जियो का मालिक कौन है? अंबानी। जितने लोग अंबानी बोल रहे हैं दे आर गिविंग मी अ रॉन्ग आंसर। हा, जियो एग्जैक्टली, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो की, जियो को ओन करती है। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, और एग्जांपल सुनो, और एग्जांपल सुनो। इंफोसिस का मालिक कौन है? मतलब अंधी कहानी में भी गलत आंसर। सो अगर आप मित्तल बोलो या फिर नारायण मूर्ति बोलो, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। कंपनी का ओनर कोई दूसरा, इनसे कंपनी का ओनर कंपनी ही होती है। द ओनर ऑफ कंपनी इज अ, द ओनर ऑफ कंपनी इज कंपनी इटसेल्फ। हाँ, शेयर होल्डर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट के थ्रू शेयर होल्डर्स को कंपनी कंट्रोल करने का मौका मिलता है। बट कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टीज का ओनर कौन है? अगर मान लो आई कैन लिमिटेड होता, आई कैन वुड हैव बीन अ कंपनी। अपनी कोचिंग क्लास आई कैन अकेडमी अगर मान लीजिए एक कंपनी होती, तो ये पंखा, ये एसी, ये प्रोजेक्टर, ये कैमरा, इन सब, ये बेंचेस, इन सब का मालिक मैं या स्पॉन्सर होते, या आई कैन अकेडमी लिमिटेड होती? Icon Academy Limited would have been what? Would have been the owner. ठीक है, अब ऐसा तो मैं एक बार मैं बोल रहा हूं, अब तो देखिए अब दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 में उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपनी की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सेपरेट होती है। अच्छा, क्या मुकेश अंबानी कभी ये बोल सकता है कि रिलायंस, रिलायंस की जितनी प्रॉपर्टी, अब रिलायंस का एक बहुत बड़ा कंपाउंड है नवी मुंबई में, 2000 एकड़ लैंड रिलायंस के पास, कहां पे? नवी मुंबई में। क्या मुकेश अंबानी वहां पे जाके झंडा गाड़ सकता है कि ये लैंड आज से मेरी है? आज से रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं पूछ लूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है।
क्या मुकेश अंबानी ऐसा बोल सकता है? कभी भी नहीं बोल सकता. हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ कंपनी होती है. शेयर होल्डर्स सिर्फ क्या करते हैं? कैपिटल देते हैं और मीटिंग में उनको वोट डालने का क्या मिलता है? राइट मिलता है. कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर सिर्फ और सिर्फ कंपनी होती है. कुछ केसेस हैं जिसके थ्रू मैं जस्टिफाई करूंगा. सबसे पहला बच्चा गुजदार, सीआईटी वर्सेस बच्चा गुजदार है. सुनो ध्यान से, क्या है केसेस के माध्यम से मैं अपनी बात आपको बताने का कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूं कई लोग इस चीज से अग्री नहीं होते. कंपनी के नाम पे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है. एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी है. कौन है? कंपनी है. सो इनकम टैक्स में रिलीफ किसको मिलेगा? एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है ना. अच्छा, अगर कंपनी खेती करती है तो कंपनी को भी रिलीफ मिलती है? अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? कंपनी. मतलब मान लो है, सॉरी होता नहीं है, मान लो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी है. तो इनकम टैक्स में इनकम एग्जम्प्ट किसकी होगी? कंपनी की होगी. कंपनी ने इनकम कमाई ढेर सारी, और ढेर सारी इनकम कमा के अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया? डिविडेंड दिया. क्या दिया? डिविडेंड दिया. बच्चा गुजदार के पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स थे, तो बच्चा गुजदार को क्या मिला? बहुत सारा डिविडेंड मिला. अब बच्चा गुजदार को डिविडेंड मिला तो बच्चा गुजदार को दिमाग खराब हुआ. कंपनी, हमारी सरकार ने क्या मांगा उससे? डिविडेंड के ऊपर टैक्स मांगा. क्या मांगा? डिविडेंड के ऊपर टैक्स मांगा. 10 लाख के ऊपर डिविडेंड तो टैक्स लगता है. तो हमारी सरकार ने उससे क्या मांगा? टैक्स मांगा. बच्चा गुजदार ने क्या बोला? टैक्स देगा या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बच्चा गुजदार ने टैक्स देने से मना कर दिया. क्यों मना कर दिया? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से. बच्चा गुजदार ने यह कहा कि जो उसको डिविडेंड मिल रहा है वो किसका रिजल्ट है? जो बच्चा गुजदार को क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, वो किसका रिजल्ट है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. मतलब कंपनी के पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, कंपनी के पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, कंपनी खेती कर रही है, और कंपनी को क्या मिल रहा है? इनकम मिल रही है. कंपनी को क्या मिल रही है? तो कंपनी की इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है. कंपनी को इनकम के ऊपर क्या नहीं लगा? टैक्स नहीं लगा. कंपनी ने उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया किसको? शेयर होल्डर को एज डिविडेंड. तो जो शेयर होल्डर के पास जो इनकम जा रही है, शेयर होल्डर के पास जो इनकम जा रही है वो किसकी जा रही है? एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की. एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट हुई है वो किसके पास जा रही है? एग्रीकल्चर से जनरेट हुई इनकम जा रही है किसके पास? शेयर होल्डर के पास. तो बच्चा गुजदार ने कहा कि मेरी जो इनकम है, जो मेरे पास इनकम आ रही है वो किसकी इनकम आ रही है? एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, और इसीलिए मैं भी टैक्स देने वाला नहीं हूं. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के कहा कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? Who owns the company? कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी इटसेल्फ. तो उसकी इनकम पे, एग्रीकल्चरल इनकम पे एग्जम्पशन क्लेम करने का राइट किसका है? कंपनी का. और कंपनी जब उस इनकम से डिविडेंड देती है तो उस इनकम का कैरेक्टर बच्चा गुजदार के लिए सेम रहा या चेंज हो गया? जब वो इनकम बच्चा गुजदार के हाथ में पहुंची, डज इट ऑक्यूपाई द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम और डिविडेंड इनकम? क्या नहीं से इनकम का कलर चेंज हो गया? ओया, तो क्या होगा? इनकम का रंग रूप चेंज हो गया, इनकम का कलर चेंज हो गया, तो क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा. और कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन है?
वो कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कंपनी है, शेयर का मालिक होने से, शेयर होने से तुम कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो जाते। कंपनी की प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है उसके मेंबर से। ओ या श्योर, सबको क्लियर है। दूसरा एक और केस हुआ प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक और केस हुआ प्रॉपर्टीज के ऊपर, दैट वॉज मक्यूरा वर्सेस पॉजिटिव इंश्योरेंस कंपनी। पॉजिटिव है, नदन इंश्योरेंस कंपनी है, नदन इंश्योरेंस कंपनी। एक और केस हुआ, बहुत सिंपल केस था। मक्यूरा मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक है। मक्यूरा किसका मालिक है? किसी कंपनी का मालिक। किसी कंपनी का मालिक है, कंपनी के शेयर्स का मालिक है। शेयर्स कंपनी का मालिक तो कौन होता है? वेरी नाइस। मक्यूरा कंपनी के, मक्यूरा के पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स है। अज्यूम कर लेंगे कि मक्यूरा कंपनी का प्रमोटर है। अज्यूम क्या कर लेंगे कि मक्यूरा हैपन्स टू बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस मक्यूरा ने क्या किया, व्हाट दिस मक्यूरा डेड, कि कंपनी का गोडाउन था, मतलब जो मक्यूरा की कंपनी थी, मान लो एग्जांपल, मक्यूरा की कंपनी का नाम था मक्यूरा लिमिटेड। मक्यूरा लिमिटेड एक गोडाउन की मालिक थी। किसकी मालिक थी? गोडाउन की मालिक थी। और उस गोडाउन का इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हुआ। क्या ड्यू हुआ? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। तो शायद कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे, तो मक्यूरा ने अपनी जेब से पे कर दिया। किसका इंश्योरेंस? कंपनी का इंश्योरेंस, कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। उस प्रॉपर्टी में आग लग गई। उस प्रॉपर्टी में क्या लग गई? आग लग गई। अब आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? इंश्योरेंस क्लेम देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम किसको दिया? किसको देना चाहिए? कंपनी को देना चाहिए। मक्यूरा बोलता है, क्या बोलता है, कि इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? प्रीमियम मैंने भरा। कंपनी ने मना कर दिया। मक्यूरा ने कोर्ट में क्या किया? केस फाइल किया। कोर्ट ने मक्यूरा को लत मार के कहा, क्या कहा, कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी। किसको मिलेगा डिविडेंड? कंपनी को मिलेगा। इज दैट क्लियर? सॉरी, डिविडेंड बोल रहा हूं। क्लेम किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। एक और केस है, बोल बेटा, प्रीमियम पे किया वो कंपनी से ले सकता है? मैंने कंपनी से जो प्रीमियम पे किया, कंपनी के बिहाफ पे जो प्रीमियम पे किया है, क्या वो मैं कंपनी से मांग सकता हूं? यस। एक और केस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का केस है। कौन सा केस है? गवर्नमेंट कंपनी का केस है। इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स किसके पास हैं? व्हाट गवर्नमेंट सेड, कि गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स किसके पास हैं? वो हमारे पास है जी। गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं हमारे पास हैं। अच्छी बात है अभिषेक, रोज की तरह सो रहा है। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स किसके पास हैं? हमारे पास हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स के मालिक कौन है? हमें। गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स के मालिक कौन है? हमें। और इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी के सारे प्रॉपर्टी के मालिक भी कौन है? हमें। गवर्नमेंट ने लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया? इस गवर्नमेंट कंपनी के पूरे 100% शेयर किसके पास है? हमारे पास है। तो जब गवर्नमेंट कंपनी के 100% शेयर हमारे पास है, तो गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो उसका मालिक भी कौन है? हम है, गवर्नमेंट है। कोर्ट ने क्या कहा? हट, बात करता है साले। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल। तुम क्या हो? शेयर होल्डर। तुमने सिर्फ क्या की है? कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, शेयर खरीदे हैं। तो तुमने कैपिटल दिए, तो उसके बदले कंपनी ने तुमको क्या दिए हैं? शेयर्स दिए। शेयर होल्डर कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ही इज द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, बिकॉज द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी इज
company itself. Is that clear to everyone? That's it. Now, एक और distinguishing feature जो कंपनी का है, एक और बहुत अच्छी characteristic जो कंपनी की होती है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कंपनी की liability limited होती है या कंपनी के members की liability limited होती है? सॉरी, पक्का? यस. लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है, क्या होती है? जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की नहीं होती. कंपनी ने अगर 100 करोड़ का लोन लिया है तो क्रेडिटर जो है 100 करोड़ के लोन को वसूल करने के लिए कंपनी को वाइंड अप तक करवा सकता है. 100 करोड़ का लोन अगर कंपनी ने लिया है तो कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचे जा सकते हैं, कंपनी के कपड़े तक उतारे जा सकते हैं. कपड़े उतारना मतलब उसके एसेट को बेचा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है कंपनी के खिलाफ. तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है. क्रेडिटर्स कंपनी के एसेट के ऊपर भी हाथ डाल सकते हैं. बट मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब कंपनी क्रिएट होती है, जब कंपनी क्या क्रिएट होती है, जब कंपनी क्रिएट होती तो एक कंपनी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या क्रिएट करता है? एक पर्दा क्रिएट करता है, विल क्रिएट करता है. कॉर्पोरेट विल बोलते हैं. सो क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट विल. सो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर के लिए गया और मैंने वो गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, प्लीज आप 100 रुपए का खाना, 2 मिसल पाव खाना, 1 कचौड़ी खाना, 1 समोसा खाना, 90 रुपए होगा, 10 रुपए का मैं आपको पानी पिला दूंगा, 100 रुपए होगा, मैं घर से खाना खा के आया हूं. मैंने बहुत किया है. क्या नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी बट मैंने किया बहुत है अपने दोस्तों के साथ. मैं घर से क्या करके आया हूं, मैं घर से खाना खा के आया हूं, आप लोग खाओ, मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं घर से मम्मी ने खाना खा के भेजा. वो घर में स्पेशल डिश बना था, कुछ नहीं बचो, लौकी और टिंडे की सब्जी खा के आया हूं. बट पैसा क्या करना है, बचाना है, क्योंकि दोस्त लोग को छोड़ने वाले नहीं है, आज तो ये पूरे 7 जन्मों का एक साथ खाएंगे. सो कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए. सो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, आपको जो भी खाना है, कितने रुपए में खा लीजिए, 100 रुपए में खा लीजिए. मेरी गर्लफ्रेंड बहुत समझदार थी, उसने 80 रुपए में खा लिया. मुझे कौन सा प्रिविलेज मिल रहा है? लिमिटेड लाइबिलिटी. विच प्रिविलेज आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. जेब में था 100 रुपया, जाएगा भी कितना? 100 रुपया. क्या तुम्हारे कपड़े वपड़े चेन वेन कोई निकालने वाला है? नक्कर बाबा. यस और नो? नंबर वन. नंबर टू, जेब में मेरे 100 रुपए था, गर्लफ्रेंड ने पहले मंगाया मसाला डोसा, फिर मंगाया चीज मसाला डोसा, फिर मंगाया घी मसाला डोसा, फिर मंगाया रवा मसाला डोसा, खाती जा रही, बिल बन गया 790 रुपए का. रिगार्डिंग माई पॉइंट, और एकदम पतली है, ऐसी ऐसी दिखती है, एकदम मुस्कान जैसी, इतनी कीड़े जैसी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा माल जा कहां रहा है. अरे सॉरी सर, ये तो भाई एंजल है बहुत. मैं कसम खाता हूं कि अगर निर्विका इतनी दुबली पतली रही तो मेरा सौभाग्य होगा. एनी फिर तो मैं उसको इतना खिलाऊंगा जैसे कोई लिमिट नहीं है. रोज हर दिन 5-स्टार होटल में खिलाऊंगा, क्योंकि वेट ही नहीं बढ़ेगा. अपने जैसे नहीं, अपन चला पानी पिए तो भी वेट बढ़ जाता है. ठीक है, मेरी इतनी इच्छा होती है 5-स्टार होटल में जाके बुफे खाने का. बच्चों बहुत मन करता है मेरा, बच्चों मतलब ऐसी ऐसी डिश रखते ना वो लोग, बच्चों मतलब सीएस करने के पीछे एक मेन मकसद ये था कि 5-स्टार होटल में भी अपन खाना अफोर्ड कर सके. बच्चों 25 टाइप की तो मिठाइयां होती है, तुम थक जाओगे. और मतलब मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं खाता. हाँ लेकिन नहीं, मैं एक दिन खा लेता हूं. 5-स्टार 5-स्टार में जाऊं तो चीट कर लेता हूं. मतलब मैं वही बोल रहा हूं, इच्छा बहुत होती है बट दबा के रखता हूं. क्यों नहीं खाता? मतलब 200 किलो का नहीं होना है मेरे को. शादी इज नॉट द एंड.
लाइफ में बहुत सारे मिशन शादी के बाद भी अकम्प्लिश होते हैं, यस और नो? अरे मतलब मैं फिटनेस गोल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो वेस्ट लाइन है वो 32 के ऊपर ना जाए. मैं चाहता हूं कि मेरा पेट काफी स्लिम हो, अभी नहीं है बट मैं कोशिश करता हूं. एब्स तो नहीं बनते इंडियन फूड के साथ, बस ये है कि आपका पेट औकात के थोड़ा अंदर रहता है. एक ऐसा होता है कि दिखे और एक होता है ना दिखे, तो मैं कोशिश करूंगा अंदर रहे, ठीक है? मैं चाहता हूं कि बाल सलामत रहे लंबे समय तक, तो मैं जवान रहना चाहता हूं. कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, कम से कम 50 साल की एज तक, ठीक है? और जवान रहने का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई लड़की ढूंढ लेना, लड़कियों को इंप्रेस, नहीं बच्चों. पहले मुझे खुद को इंप्रेस करना है. मतलब मैं जब शक्ल देखूं अपनी आईने में तो मुझे लगना चाहिए कि नहीं यार ये आदमी फिट है. अभी थोड़ा वेट बढ़ गया इसलिए नहीं लगता. लेकिन ये सब चीजें तुम कब करना? वंस यू स्टार्ट वर्किंग. जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं ऐसा था, इतना मोटा था बच्चों, 85 kg वेट था मेरा. अभी 74 है बट उस समय 85 था, बहुत खाने का. तो ये डाइट वाइट तुमको अभी नहीं करने की. अभी तुम्हारे कौन से दिन है खाने पीने के दिन है बच्चों? बिंदास खाओ, ठीक है? क्या नहीं, फिर अभी नहीं खाओगे तो फिर कब खाओगे बच्चों? अभी कितना कंट्रोल करोगे? मैंने तुम्हारी एज में बच्चों आग लगाई है बच्चों, इतना खाया है ना, इतना खाया है कि मैं आपको क्या बताऊं. यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट आई हैव ईटन एंड हाउ आई हैव ईटन. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना खाना मैंने खाया है बच्चों. अब भूलना नहीं चाहिए बट मेरी मम्मी मना करती, दूसरों को नहीं बताया करते, बट 10 से 12 आलू के परांठे खा सकता था मैं एक बार में विथ आधा केजी दही. और बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, दही हमारे घर में हमारी मम्मी कैसे बनाती थी. वो आधे किलो का गंजी आता है, उसमें दूध आता है. मतलब दूध तो बहुत सारा लेते थे हम लोग, बट आधा किलो गंजी का जो दूध होता, आधा किलो जो होता था, उसी मम्मी जावन डाल देती थी, ऐसी दो गंजियां. और जब आलू के पराठे बनते तो उसी के ऊपर नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, वो उसी के ऊपर डाल के वो पूरा आधा किलो के उसको ऐसे ऐसे करने का. और उसको 10 आलू के पराठे के साथ आधा किलो दही फ्री डायरेक्टली अंदर में. को भी समझ में आता है इतनी सारी जगह में ये इतना सारा कैसे आ जाता है बच्चों. अच्छा, उसके बाद अचार पापड़ अलग जा रहा है, वो तो काउंट ही नहीं करते अपन. अचार पापड़ चटनी तो मारवाड़ीज में ये सब चीजें बहुत होता है ना, एडॉन्स. अचार हो गया, पापड़ हो गया, चटनी हो गया, बटर हो गया. बटर तो क्या, वो घी रहता तो फिर नहीं लेते कई फैमिलीज बट. लेकिन तो मैं खैर बच्चों वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन, बट फर्स हाँ, नमकीन भी रख लिया बच्चों. ऐसे मत देख, सिंधीज का खाना और खतरनाक होता है, और ज्यादा हैवी होता है सिंधीज का खाना ना. एनीवे, महाराष्ट्रियंस में खाना बहुत बैलेंस्ड होता है, बहुत अच्छा खाना होता है. महाराष्ट्रियन खाना खा के वेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है. बहुत डिसिप्लिन में होता है महाराष्ट्रियन खाना, और वो काफी हेल्दी खाते हैं. ये सारा पाप हमारे साइड ही आया है बच्चों. एनीवे, इसलिए मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज, आपको पता है मारवाड़ीज को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के चांस होते हैं बाय द एज ऑफ 35 to 45. ये डॉक्टर ने मुझे बताया. मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, दीज आर पंजाबी टॉप, द सबसे टॉप में तो पंजाबी आलू के पराठे के साथ तो उनके ड्रिंक्स भी आते हैं बच्चों. एनीवे खैर, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे अपन. सर मैं गया था कितने, तो मेरी वो जो गर्लफ्रेंड थी उसने 790 रुपए का बिल बनवा दिया. मेरी जेब में कितने थे? 100 रुपए थे बच्चों. तो मैंने फिर जब बिल ज्यादा बन जाता है औकात से ज्यादा, तो क्या करने का, फोन हाथ में लेने का. हेलो, हाँ मम्मी. हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? लगा वगा नहीं है, होटल के बाहर आने का, थोड़ा देखने का, और वहां से 100 meter का स्प्रिंट दौड़ने का. जितने कुत्तों की तरह तेज दौड़ सकते दौड़ो. लेकिन रेस्टोरेंट वाले को भी पता है कि सारा ऐसे चोर लोग आते हैं फोन लेके जो आ रहे हैं, मतलब वो जेन्युइन नहीं, वो पैसे लेके भागेगा. तो रेस्टोरेंट वाले ने मेरे को वहीं रोका, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने, वो मम्मी का फोन है. बोले, पर फोन तो लगा ही नहीं है आपके फोन में. मैं, काम करना भी अपना. बोले, पैसे दो पूरे 790. मैंने बोला, वो बैठी है वहां, वो देगी. बोले, उसने बोला आप दोगे, और वो तो जा चुकी 2 मिनट पहले ही. बोले, वो कौन से रास्ते निकली? बोले, छोटे रास्ते से. मेरी जेब में कितने थे? मैंने बोला, भैया 100 रुपए ले लो, 690 रुपए शाम को लाके. मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बाबा किसान है, मेरी 7 बहनें शादी के लिए. ऐसी बोलने का तो बोले, हर आदमी पकड़ाने के बाद यही डायलॉग मारता है, ए पाटिल
बर्तन दिखा इसको पूरे का है, आज ये पूरा किचन जमा लेगा, जाओ। सो बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सो दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर बनो, किसके शेयर होल्डर बनो? इफ यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो, इफ यू बिकम, व्हाट यू बिकम, इफ यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो सबसे बड़ा एक फायदा आपका यह है कि जितने रुपए के आपने शेयर खरीदे हैं, शेयर की जो क्या है वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 20 रुपए के शेयर खरीदे, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम है, तो मैंने 20 रुपए के शेयर लिए तो व्हाट इज माय मैक्सिमम लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, मेरी कंपनी के प्रति मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? 20 रुपीज, दैट्स इट। अगर मैंने एक ही शेयर खरीदा है, कंपनी के ऊपर हो सकता है 100 करोड़ का लोन हो, कंपनी के ऊपर हो सकता है 500 करोड़ का लोन हो, भाई कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी उस लाइबिलिटी को मीट करेगी। हु वुड मीट द लाइबिलिटी? कंपनी वुड मीट द लाइबिलिटी। माई लाइबिलिटी इज वॉट? इट इज लिमिटेड ओनली टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ शेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर। मेरे पास 20 रुपए का शेयर है तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है? 20 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? 20 रुपीज। इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन ऐसे कई इवेंट हैं जहां पे आपसे लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है। किससे? कंपनी के शेयर होल्डर से। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या है? हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या है? बट इस रूल के एक्सेप्शन है। इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोल दो अपवाद, मतलब ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे शेयर होल्डर को किसका प्रिविलेज ना मिले। ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे शेयर होल्डर को लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज ना मिले। ऐसे भी कुछ इंस्टांसेस हो सकते हैं। मुझे बताइए कब ऐसा होगा कि शेयर होल्डर को लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज ना मिले? कुछ एग्जाम्पल दो तो मैं, बहुत कॉमन है। पहला, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी? तो अगर मेरी कंपनी का कैरेक्टर ही क्या है? मेरी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का मतलब क्या होता है? सारे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या है? सारे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब सेम पार्टनरशिप फर्म जैसा। जैसा क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे कंपनी का कैरेक्टर क्या है? कंपनी कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। तो क्या होगा, तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वुड बी, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वुड बी अनलिमिटेड, पहला। दूसरा, लोन कंपनी ने लिया है। किसने लिया है लोन? किसने लिया है? कंपनी ने लिया है, बट शेयर होल्डर ने, किसने? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को लोन चाहिए 10 करोड़ का। कितने करोड़ का? 10 करोड़ का लोन कंपनी को चाहिए। बट दिक्कत यह है, कि कंपनी को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कंपनी हालत खराब है तो कंपनी की कोई लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कंपनी का क्या हूं? मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरा मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि लोन कौन दे दे? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि लोन आप दे दो। सो लोन कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई तो? मैंने कहा मैं दूंगा। अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई तो हु वुड पे द लोन? मैं लोन पे करूंगा। मतलब मैंने क्या दे दी?
मैंने कंपनी के बिहाफ पे क्या दे दी, गारंटी दे दी. आई गेव द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. और हुआ वही जिसका डर था, कंपनी लोन रीपे. हुआ वही जिसका डर था, कंपनी कुड नॉट रीपे द लोन, कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई. हु इज लायबल टू पे द लोन? एंटायर 10 करोड़. मेरे पास 20 रुपए के शेयर है, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने मेरे शेयर तो फुल्ली पेड है, मैंने पूरे पैसे दिए हैं, तो हु इज लायबल टू रीपे द लोन? शेयर होल्डर लायबल है. तो भले ही मेरे पास 20 रुपए के शेयर है, बट मुझे 10 करोड़ का लोन चुकाना है, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड. कंसेप्ट क्लियर है सबको? श्योर एवरीवन? थर्ड पॉइंट बच्चों, सेक्शन 7 कंपनीज है का कौन सेक्शन? सेक्शन 7 में एक चीज लिखी हुई है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, क्या होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के शुरुआत के शेयर होल्डर कौन होते हैं? शुरुआती शेयर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के? कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के शुरुआती शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स टू एमओए. यस और नो? बेसिकली वही प्रमोटर्स होते हैं. वही कौन होता है? प्रमोटर्स होते हैं. तो सब्सक्राइबर्स ने, किसने? सब्सक्राइबर्स ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम आरओसी को गलत जानकारी दी है. आरओसी को क्या दी है? या फिर कुछ तो फ्रॉड किया है, कुछ तो क्या किया है? फ्रॉड किया है. कब बच्चों? कंपनी को क्या करते टाइम? इनकॉर्पोरेट करते टाइम. तो इस केस में भी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या ट्रीट की जा सकती है? शेयर होल्डर मतलब कौन से? सारे या वो मतलब शेयर होल्डर मतलब कौन से? सब्सक्राइबर्स. कब बच्चों? इनिशियल कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम. तो आरओसी को सही जानकारी दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो? गलत जानकारी कैसे दे सकते हैं? अरे कुछ नहीं, बहुत सारे डिक्लेरेशन देते हैं आप, देने पड़ते हैं आपको जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो. जैसे कि क्या आपके ऊपर, क्या आपको किसी कोर्ट ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से प्रोहिबिटेड किया है? यस, मेरे को किया है. बट लेकिन मैं आरओसी को क्या बोलता हूं? मेरे को प्रोहिबिट नहीं किया है, गलत जानकारी दे रहा हूं. किसको? आरओसी को मैं गलत जानकारी दे रहा हूं. कब दे रहा हूं? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे. ठीक है. थर्ड, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? भले ही मेरे पास फुल्ली पेड शेयर्स हैं, बट क्या कंपनी मुझे पनिश कर सकती है? यस. चौथा, जब कंपनी अपने डिपॉजिट्स को, डिपॉजिट पता है सबको क्या होता है? कंपनी लोन लेती है. क्या लेती है? बैंक से या जनरल पब्लिक से या फिर अपने मेंबर से? जनरल पब्लिक से या फिर अपने. कंपनी क्या ले रही है? लोन. बट बैंक से नहीं ले रही है. किससे लोन ले रही है? जनरल पब्लिक से. क्या ही है? ये डिपॉजिट्स है. कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए या फिर डिबेंचर इश्यू किया. क्या इश्यू किया? लेकिन कंपनी इनको रिडीम नहीं कर पाई. क्या नहीं कर पाई? रिडीम नहीं कर पाई. तो इस सर्कमस्टेंस में भी क्या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स भी और शेयर होल्डर्स को व्यक्तिगत रूप से 7 साल तक की क्या हो सकती है? पनिशमेंट हो सकती है. डिपॉजिट के लिए स्पेसिफिकली कितने ईयर का टाइम कहा गया है? 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है. लाइबिलिटी लिमिटेड हो रही है, अनलिमिटेड हो रही है? गलती कौन कर रहा है? कंपनी. कौन डिपॉजिट रीपे नहीं कर रहा है? कंपनी. बट नुकसान किसको हो रहा है? कंपनी के पीछे के लोगों को. कॉर्पोरेट विल है या लिफ्ट हो रही है? लिफ्ट हो रही है. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन हो गया है. कंपनी के ऊपर क्या हो गया? दुनिया भर का लोन हो गया है कंपनी के ऊपर. और उस पूरे लोन में मैंने पूरे मजे लिए. मैं कंपनी का बन गया मार्केटिंग रिसर्च हेड. तो कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि दुष्यंत जैन जो मार्केटिंग रिसर्च के हेड है, पूरे वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और देखेंगे कंपनी का मार्केट, कंपनी के लिए कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं. लोन का पैसा था. कौन सा पैसा था? लोन था 20 करोड़ का. बच्चों, मैं 3 साल के दौरे पे निकल गया. कहां पे निकल गया? 3 साल के दौरे पे. मीटिंग अटेंड करता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से. कैसे? 3 साल के बाद आया, पूरा 20 करोड़ का लोन कंपनी का साफ हो गया. अब कंपनी के पास बिजनेस करने के, मैं पूरा वर्ल्ड टूर घूम गया बच्चों, एक नंबर घूम गया. वर्ल्ड का कोई कंट्री नहीं छोड़ा. किसके पैसे पे? लोन के पैसे पे. कंपनी को लोन मिला था, मैं डायरेक्टर था तो
मुझे बोलो जा क्या। अब लोन का पैसा तो खत्म हो गया, अब लोन चुकाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने आरओसी को एक एप्लीकेशन दिया, क्या कि हमारी कंपनी का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, सेक्शन 248 के अंदर क्या कर दिया जाए, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, या हमारी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। क्यों, जो पैसे थे वो तो उड़ा के आ गए सर, अब कंपनी का कुछ बचा नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, कंपनी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को क्योंकि मुझे पता शुरू में तो आरोप लगेगा कि कंपनी ने पैसा खर्च किया, बट कंपनी के पैसे मजा किसने मारा है, और कौन सा मार्केटिंग रिसर्च किया, साले फेसबुक पे फोटोज देख, लास वेगास में पब में फोटो खिंचवा रहा है, इधर उधर जाके फोटो खिंचवा रहा है, पोज दे रहा है। सो क्या होगा बच्चों इस केस में, हु विल बी पनिश्ड, अगर विलफुल जानबूझ के तुम गलत तरीके से कंपनी का नाम क्या करवा रहे हो, रिमूव करने का एप्लीकेशन दे, तो भी तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या कंपनी के हाथ होते हैं, है? हाथ नहीं होते कंपनी के, अगर कंपनी के हाथ नहीं है तो कंपनी क्या नहीं कर सकती, वेरी नाइस, आप सब लोगों ने सही पकड़े हैं, कंपनी के अगर हाथ नहीं है तो कंपनी क्या नहीं कर सकती, साइन नहीं कर सकती, और भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, बट उसमें सबसे मेन क्या है, साइन कर। सो भैया जब कंपनी साइन नहीं कर सकती तो कंपनी साइन करेगी कैसे, कॉमन सील, कंपनी कॉमन सील के माध्यम से साइन करती, किसी माध्यम से साइन करती है, कॉमन सील क्या होता है, एक मशीन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट स्टैम्प, जिसमें बिना इनके, इनका यूज नहीं होता, इनके बिना क्या होती है, मुहर लग जाती, किसके बिना, वो पेपर का शेप चेंज रहता है, मतलब पेपर को हम कंप्रेस करते हैं मुहर के माध्यम से, एम्बॉस करते हैं, क्या करते हैं, एम्बॉस करते हैं। सो कॉमन सील चाहिए, लेकिन बच्चों जब अरुण जेटली हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बने 2014 में बने, 29 मई 2015 को एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि अब कंपनीज को कॉमन सील की जरूरत नहीं है, हम लोग 21st सेंचुरी में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, 21st सेंचुरी में बैठे हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, तो अब ये कॉमन सील का जो सिस्टम है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, अब कंपनी शैल बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कंपनी शैल बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू हैव कॉमन सील। तो ऐसा कहा कि कंपनी को कॉमन सील, कंपनी के पास कॉमन सील होना चाहिए, और उस कॉमन सील के आगे लिखवा लिख दिया इफ एनी, इफ एनी मतलब कंपनी को कॉमन सील चाहिए नहीं चाहिए, सेक्शन 9 में कॉमन सील चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन कब, इफ एनी मतलब, मतलब डॉक्यूमेंट, कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन होना चाहिए कॉमन सील से, लेकिन कब, इफ एनी मतलब अगर जरूरत है कॉमन सील की तो, अदरवाइज कॉमन सील की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, सो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर क्या माना जाता था एक टाइम पे, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर एक टाइम पे कॉमन सील माना जाता था, क्या माना जाता था, बट क्या आज की तारीख में, बट क्या आज की तारीख में कॉमन सील को कंपनी का सिग्नेचर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, हाँ जी, बट आज की तारीख में कंपनी का सिग्नेचर कॉमन सील माना नहीं जाएगा, मतलब सॉरी मतलब कॉमन सील रखो अगर चाहो तो, तुम रख सकते हो कॉमन सील, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कॉमन सील है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, कहां पे यूज करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट पे, कहां पे, शेयर सर्टिफिकेट पे क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको, कॉमन सील, अगर आपके पास क्या है, कॉमन सील है तो, और कहां पे लगाना पड़ेगा कॉमन सील, अगर कॉमन सील है तो और कहां पे लगाना पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, डू यू ऑल नो व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी, क्या आपको पता है पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं मैं, और चूंकि 10 दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं इसलिए मेरे बैंक अकाउंट
से चेक बुक चेक साइन कर, मेरे बिहाफ पे चेक कौन साइन करेगा, मेरे बिहाफ पे बैंक से पैसे विड्रॉ कौन करेगा, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। तो मैंने क्या किया, एक पेपर पे लिख के दिया कि मेरे एब्सेंस में, मेरे एब्सेंस में मेरे बैंक अकाउंट को मैनेज कौन करेगा, प्रशांत पुरवर जो है वो मेरे बैंक अकाउंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। इन माय एब्सेंस प्रशांत वुड मैनेज माय बैंक अकाउंट्स, लिख के दिया मैंने। तो ये क्या है, पावर ऑफ अटर्नी। आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे इंसान को अगर काम करने के लिए दे दो, अपने बिहाफ पे किसी दूसरे इंसान को काम करने की अथॉरिटी दे दो, तो आप किसके थ्रू देते हो, पावर ऑफ अटर्नी। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है? अगर मान लो मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड और इस हॉल को कंपनी किराए पे ले रही है, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, साइन कौन करेगा, कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी साइन करने की पावर दूसरे को देती है, किसके थ्रू, पावर ऑफ अटॉर्निंग के थ्रू, किसके थ्रू। सो कंपनी जब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाती है और पावर ऑफ अटॉर्निंग के जरिए कंपनी अपने बिहाफ पे साइन करने की पावर किसको देती है, अपने बिहाफ पे साइन करने की पावर जब कंपनी किसी और को देती है किसी, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर भी क्या होना चाहिए, कॉमन सील होना चाहिए। अगर अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो, सो इफ द कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील देन, अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो, सॉरी तो यस, तो हमेशा याद रखना किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कौन कर सकता है, दो डायरेक्टर या फिर वन डायरेक्टर एंड वन सीएस ऑफ द कंपनी, कोई भी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर प्लस सीएस ऑफ द कंपनी। तो अभी कॉमन सील, तो कॉमन सील आपको जरूरत कब है, कॉमन सील आपको शेयर सर्टिफिकेट पर पावर ऑफ अटॉर्नी पे कब लगाना है, अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील है तो, अदरवाइज 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 आपको क्या लगाने हैं, दो एक दो डायरेक्टर का साइन या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन, ठीक है। अब बच्चों कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, अच्छा क्या कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इज द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, ओ या कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जब मैं यह कहूं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंपनी को डिस्क्वालिफाई नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से, यस और नो, डिस्क्वालिफाइड है माइनर्स, डिस्क्वालिफाइड है अनसाउंड माइंड के लोग या फिर जिन लोगों को लॉ ने डिस्क्वालिफाई किया, इस कंपनी डिस्क्वालिफाइड, नो कंपनी। तो आप मुझसे बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा भी तो नहीं है, बट देर हैव बीन केसेस, और कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, एक्सप्रेसली सेक्शन 9 में लिखा है कि कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करेगा, सेक्शन 21 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कहां पे, सेक्शन 21 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन कर सकता है, KMP कौन साइन कर सकता है, की मैनेजरियल पर्सन साइन कर सकता है, की मैनेजरियल पर्सन मतलब MD, WDD, CEO, CEO, CFO, ये लोग साइन कर सकते हैं, ओ यस और नो, या फिर कोई भी डायरेक्टर जिसको किसने ऑथराइज किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी कोई भी ऑफिसर जिसको किसने ऑथराइज किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो कौन साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या आप कॉमन सील भी, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत है, जो बंदा कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा क्या आप उसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्शन 21 में स्पेसिफिकली लिख दिया, क्या लिख दिया, KMP कौन बच्चों, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो KMP नहीं है वो भी साइन कर सकता है, लेकिन कब, जब बोर्ड ने उसको बोला है कि आप कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, तो अब
एज ऑफ नाउ पावर ऑफ अटर्नी की एक्चुअल जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनीज डरती हैं। कंपनीज क्या करती हैं, पावर ऑफ अटर्नी बना के दे देती। क्यों? पावर ऑफ अटर्नी नहीं बनाया तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा ना, द पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ, और केएम भी डायरेक्टली साइन कर सकता है क्योंकि सेक्शन 21 में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। सो कैन कंपनी एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट? क्या कंपनी अपने नाम पे घर लीज पे ले सकती है? क्या अपनी कंपनी अपने नाम पे सामान खरीद सकती है, बिल भरवा सकती है अपने नाम पे? ओ या पक्का पक्का, चलो क्लियर है। सो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, और जब ऐसा लिखोगे तो सेक्शन 21 का जिक्र करना। किसका जिक्र करना? सेक्शन 21। आगे मैंने मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली भी बताया है। नेक्स्ट, व्हाट इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड? What is capacity to sue and be sued? जी, हाँ जी, वेरी गुड। बच्चों मैंने माणिकचंद गुटका खाया, गुटके में एक छिपकली की पूंछ निकली। पूंछ थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? ओके, पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा निकला। सो तो बच्चे ध्यान देखिए, अब बच्चों मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या माणिकचंद का गुटका है, ऐसी क्वालिटी थोड़ा ना एक्सपेक्टेड है। तब मैं केस किसके खिलाफ फाइल करूंगा, रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल या फिर माणिकचंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? नाउ कंपनी हैज द कैपेसिटी टू गेट स्यूड। क्या कंपनी के खिलाफ मैं कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता हूं? यस yes. मैं गया, मैंने माणिकचंद का सब कुछ तोड़ताड़ के बराबर कर दिया, कंपनी को तोड़ताड़े, तो कंपनी किसके खिलाफ केस? तो मेरे खिलाफ माणिकचंद धारीवाल केस फाइल करेगा या कंपनी केस फाइल करेगी? क्यों बच्चों? सीधी बात है, कहने का मतलब यह, क्यों? सीधे सेक्शन 9 पावर देता है कंपनी को, क्या यू हैव द कैपेसिटी टू स्यू एंड बी। टू स्यू का मतलब होता है कोर्ट में केस फाइल करना। कंपनी कोर्ट में केस फाइल भी कर सकती है और दूसरे लोग कंपनी को भी क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं। इट हैज द कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। और शॉर्टकट में मैं ये कहना चाहता हूं, शॉर्टकट में मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट जो है, कौन है जो कोर्ट है, कोर्ट भी कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को स्वीकारते हैं। इसलिए जब कोर्ट में किसी कोई कंपनी का नाम आता है, कोर्ट में जब क्या आता है, कोई कंपनी का नाम आता है, कोर्ट बोलता है कि ये कंपनी नहीं। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो या फिर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के नाम पे केस फाइल करते हो, क्योंकि कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को लीगल स्टेटस ग्रांट नहीं करता। इसलिए कोर्ट बोलेगा नहीं भाई, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे केस फाइल नहीं हो सकता। किसके नाम पे केस फाइल हो सकता है? उसके पार्टनर्स के नाम पे। लेकिन जब बात किसकी आती है, जब बात कंपनी की आएगी, किसकी बात आएगी? जब कंपनी की बात आएगी तो कोर्ट क्या करेगा? व्हाट वुड द कोर्ट डू? जब बात किसकी आएगी, कंपनी की आएगी, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सीधे बोलेगा कि यस, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के नाम, कंपनी खुद के नाम पे कोर्ट में क्या कर सकती है? खुद को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, नाउ बच्चों ध्यान से देखिए। मैं एक नेचुरल पर्सन हूं। हम सब यहां जितने भी लोग भी विराजमान हैं, हम सब 500 लोग क्या हैं? वी ऑल आर नेचुरल पर्सन्स। किसी को शक है? अभिषेक भाई क्या कर रहे हैं मोबाइल में, बाद में मैसेज कर लेना। सर बहुत अर्जेंट है। मतलब सारे अर्जेंसी तुम्हारे लाइफ में होते, और रिप्लाई क्या कर रहा होगा? घर की चाबी ना जूते के अंदर डाल के जाना। नहीं, मैं बता रहा हूं। तो एनीवे, हाँ मैं देखा, मैं किसी को भी, मतलब किसी को मोबाइल पकड़ते ऑपरेट करते क्लास में पकड़ लूं तो बोले सर बहुत अर्जेंसी। बेटा क्या अर्जेंसी है? सर वो दोस्त बाहर खड़ा है, दोस्त के पास पैर नहीं है, वो किसी के पैर उधार लेके आया जो खड़ा है, तेरे को उसको चैट करना है उसके। और क्या चैट कर रहे हैं? बोल रहे खड़े रहे, अच्छे से खड़े रहे, तना रहना खड़े होते होते, ऐसा ये अर्जेंसी है।
सर वो दोस्त बीमार है। तू हनुमान जी है जो संजीवनी बूटी लेके पहुंच जाएगा, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा तेरे दोस्त का है। कोई तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा कोई चीज अर्जेंट नहीं है, याद रखना। सर मम्मी का फोन आ रहा है, तू फेल होगी ना तो सबसे पहले तेरी मम्मी तेरी वाट लगाएगी, याद रखना। ये मम्मी लोग बहुत चालू होते हैं, मम्मी पापा, अरे चलना बेटा शादी में, दीदी बुरा मान, अरे पढ़ाई तो तू आगे कर लेना, शादी में ले गए और फेल हो गए, मैंने पहले ही मना किया था शादी में जाने के लिए। पर पापा आप नहीं बोलता, शक्ल देखी थी अपनी, मैंने मजाक में बोलता कि मत जा तो तेरी ऐसी शक्ल हो गई थी जैसे कोई दो चार घूसे मार के गया हो। ऐसा होता है क्या? हमेशा याद रखना ऐसा ही होता है बच्चों। मेरे भी माँ बाप थे उस टाइम पे, वैसे थे उस टाइम पे वैसे थे, वो तो मेरा करियर बन गया इसलिए क्या हो गया, फेवर में आ गए। पहले तो बच्चों एकदम बजाते थे बच्चों माँ बाप, ऐसी बजाते थे मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरे पिताजी का डांट नहीं सुना, खड़ा हूं तो खड़ा रहेगा, बैठा हूं तो जब देखो बैठा रहेगा, पढ़ रहा हूं तो इसका मनमन थोड़ी ना लगता, वो तो मेरे को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, सो रहा हूं तो बोले जब देखो सोता रहेगा, टीवी देख रहा हूं बोले मैं सुबह आया तो टीवी देख रहा। अच्छा जिस दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहा था पापा को इंप्रेस करने के लिए, क्या बोलते थे मालूम है, कि सुबह जब मैं गया था तो तू इसी पेज पे था, जब मैं वापस आया हूं तो भी तू इसी पेज पे, मतलब मैं हद है। और आप कुछ उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते, अगर आपने बोला इसका मतलब आप जबान लड़ा रहे हो, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अरे क्या है ये, ठीक है। सो बच्चों इसलिए फिर मेरे पापा का ना एक बार ट्रांसफर हो गया था एग्जाम के टाइम पे, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के टाइम पे, और मैं फेल हो गया उस एग्जाम में। तो ऐसी बजाई मेरे पापा ने, मतलब पापा मैं आपके लिए इधर उधर घूमता रहा आपके ट्रांसफर को कैंसिल कराने की, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बोले मैंने बोला था क्या, मैं तो जाने के लिए तैयार था वहां पे जहां मेरा ट्रांसफर हुआ था, तेरे में ही मस्ती थी, तेरे को पढ़ाई नहीं करना, तेरे को बहाना चाहिए था, तेरे को पता तो फेल हो गया। मतलब भैया ठीक है, तो उस दिन से मैं समझ गया आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो, दूसरे सिर्फ आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मोबाइल वोबाइल के चक्कर में मत पड़ने का बच्चों, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द क्लास यू हैव पेड फॉर इट, आपने बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे किया है। सो एनीवे आई विल बी कमिंग बैक टू माय पॉइंट। सो वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, हम सब लोग क्या है बच्चों, प्राकृतिक प्राणी हैं। इसलिए हैं क्योंकि हम लोग एक प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है। यस और नो? अरे यस और नो, क्या मम्मी पापा हमको बाजार से खरीद के लाए थे? नहीं खरीद के लाए थे बच्चों, प्लीज। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, अगर आप प्राकृतिक प्राणी और आप भारत की खूबसूरत धरती पे आपका जन्म हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चाह के भी नहीं कर सकते बेटा, है क्या? हाँ, ये हिमानी के बगल वाली, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप चाह के नहीं कर सकते। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल? सर मुझे कई बार हिमानी के ऊपर गुस्सा आता है, मैं उसका मर्डर करना चाहती हूं पर क्या करूं, दोस्ती है इसलिए बोलना पड़ता है। कैसी है हिमानी? मैं नहीं कर सकती सर, ये तो कानून की जंजीरों ने मेरे पैर जकड़ के रखे हुए हैं। सो वी ऑल हैव, ऐसा होता है क्या? होता है, मन में बोल रही है, पहले बोली हाँ अब फिर बोल, फिर हिमानी के नहीं, 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 ऐसा नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखिए, सो वी ऑल आर बाउंड बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग अ नेचुरल पर्सन। हमारे एक्शंस के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। हम भारतीय संविधान के अगेंस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वी कैन नॉट मेक ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुनो। रादर वी आर रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ या ना? हमको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। बट कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है। सो क्या आपको नहीं लगता कंपनी जो चाहे जैसा चाहे जहां चाहे वैसा कर सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। तो
What I am asking is कि कंपनी के मन में जो आया वो कर सकती है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है क्या? यहां पे याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर लागू होता है? सिटीजन के ऊपर. कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी कोई भी वह काम नहीं कर सकती बच्चों, कंपनी कोई भी वो काम नहीं कर सकती जो कहां पे ना लिखा हो, जो उसके एमओए में नहीं लिखा है. तो बच्चों याद रखिए, नेचुरल पर्संस को कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? हु कैन रिस्ट्रिक्ट नेचुरल पर्सन? कौन नेचुरल पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करता है? नेचुरल पर्सन के पावर्स को, उसके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. इन द सेम मैनर आर्टिफिशियल पर्सन को कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. गॉट माई पॉइंट एवरीवन? सो क्या कंपनी के एक्शंस के ऊपर लिमिटेशन है? कंपनी के एक्शंस के ऊपर लिमिटेशन है, यस और नो? यस. व्हाट लिमिटेशंस? कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट? इट्स एमओए. तो कंपनी क्या क्या कर सकती है? जो जो कहां पे लिखा हुआ है, एमओए में लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे. कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, ये दो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा कहा कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? सॉरी, कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कंपनी फॉर्म की गई या कंपनी बनाने के लिए लॉ फॉर्म किया गया? सुनना ध्यान से फिर से. कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सॉरी, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब पहले क्या बना, कंपनी बनी या लॉ बना? वेरी नाइस. कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब ऐसी कंपनियां जिनको बनाने के लिए एक स्पेशल लॉ पास किया गया. इन कंपनीज को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी. आईसीएसआई का प्रेसिडेंट मर सकता है, बट आईसीएसआई कभी मर नहीं सकती. सो आईसीएसआई, आईसीएआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ, एलआईसी, ये सब क्या है? ये सब कैसे बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कैसे बने हैं? इनको बनाने के लिए एक अलग कानून बनाया गया. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी एक बॉडी है ना, परपेचुअल सक्सेशन है. किसका? सेबी का. मैंने कल या परसों ही बताया था कि सेबी का क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन है. सो मैं ये कहना चाहता था बच्चों, मैं ये कहना चाहता था कि कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हो गया कि एक अलग लॉ बनाया गया और उस अलग लॉ के अंदर कंपनी को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया. दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ मतलब लॉ ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर कंपनीज क्या होती गई, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, वाटा, ये जितनी भी, ये सब क्या है? दीज आर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ या इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ. कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जिन कंपनीज को बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक सेपरेट लॉ बनाया. इज दैट क्लियर? ओ ओ ओ, सबको क्लियर है? आईकेन अकेडमी, मैं और स्पॉन्सर दो पार्टनर है. There are two partners in Icon Academy, right? दो पार्टनर है हम लोग Icon में. अच्छा, Icon Academy को मैनेज कौन करता है? हम दोनों ही मैनेज करते हैं.
सो बेसिकली आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में, कौन सी फर्म में? पार्टनरशिप फर्म में फर्म को मैनेज करने का काम किसका है? पार्टनरशिप फर्म में फर्म को मैनेज करने का काम किसका है? पार्टनर्स का है. इन द पार्टनरशिप फर्म, फर्म वुड बी मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स. पार्टनर्स ही ओन करते हैं और पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं. मुझे एक चीज बताओ, एक एग्जांपल है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड. इसका ओनर कौन है? नहीं पता. इट्स अ पब्लिकली होल्ड कंपनी, पब्लिकली हेल्ड कंपनी. हमारे हम सभी इसके ओनर है. सबके पास, जिसके पास शेयर है वो इस कंपनी का क्या है? ओनर है. इसको मैनेज कौन करता है? आदित्यपुरी, सॉरी, हाँ आई बिलीव, मुझे आदित्यपुरी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी. पेप्सिको, इसके मालिक तो यूएस वाले हैं, बट इसका सीईओ सब मैनेज कौन करता है पूरा? इंदिरा नूई. अब समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी अगर क्या हो जाती है, एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो कंपनी को जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स ही मैनेज करें, ओनर्स ही मैनेज करें, ऐसा जरूरी नहीं है. कंपनी कैन या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ही मैनेज करें. अगर मैं ये कहूंगी कंपनी खुद की ओनर है, कंपनी कैन बी मैनेज्ड बाय होम, कंपनी कैन बी मैनेज्ड बाय होम. सेपरेटली आप कंपनी को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हो. कंपनी को चलाने के लिए किसको हायर कर सकते हो? कंपनी को चलाने के लिए यू कैन ऑलवेज हायर, यू कैन ऑलवेज हायर व्हाट? आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो. सो कंपनी का एक सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपनी का एक सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट. कंपनी को चलाने की, आप गूगल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसको चलाने के लिए किसको रखा गया है? सुंदर पिचई को. सुंदर पिचई गूगल का मालिक है क्या? सुंदर पिचई गूगल का मालिक है? नो, ही इज नॉट द ओनर. तो गूगल का ओनर कौन है? जो भी है. नहीं, गूगल बेसिकली पब्लिकली ओन कंपनी है, तो सबके सबके शेयर्स हैं अलग अलग, मतलब कोई ऐसा सिंगल मालिक नहीं गूगल का. लैरी पेज इज अ फाउंडर. सो बट मैनेज कौन करता है? एक एक्सपर्ट, सुंदर पिचई. सो कंपनी का मैनेजमेंट भी क्या होता है? सेपरेट होता है. इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बस करना है आज के लिए. आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, मुझे समझ में आता है कैसे, अगर कोई बस ना बोले तो. सो थैंक यू सो मच, अ बिग थैंक यू टू ऑल. विल मीट एट 12:30, फिनिश योर लंच एंड कम बैक शार्प एट 12:30. ठीक है.